व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, ये कहानी कभी ना हार मानने वाले एक लड़की की है जो कि अकेले मंगल ग्रह पर फंस जाता है। तो क्या वो वापस धरती पर आ पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम नासा की एक टीम को मार्स पर देखते हैं जो कि किसी तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ समय दिखाया गया है 2035। इनका 31 दिन का मिशन होता है और मार्स पर अभी इनको 18 दिन हो चुके हैं। ये लोग काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन नासा की तरफ से इनको एक तूफ़ान की चेतावनी मिलती है और जब ये तूफ़ान देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब ये देखकर कमांडर डिसाइड करती है कि वो इस मिशन को रद्द कर देंगे, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट वापस मार्स व्हीकल या फिर स्पेसशिप में आना चालू कर देते हैं। और इसी बीच तूफान और ज़्यादा भयानक मोड़ ले लेता है और बहुत बड़ा मलबा इनके साथ ही मार्क से टकराता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। सभी उसके दोस्त उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। अब ये सभी लोग तूफान में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि इनका जो स्पेसशिप है वो धीरे धीरे झुकता जा रहा है। इसलिए इन्हें जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये लोग यहीं पर फंस जाएंगे और वापस धरती पे नहीं जा पाएंगे। इतने तेज़ तूफान को देखकर ये लोग मार्क को मरा हुआ समझकर यहाँ से वापस धरती की तरफ निकल पड़ते हैं। और इधर धरती पर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि मार्स मिशन को तूफान के कारण अबॉर्ट करना पड़ा और उनके एक साइंटिस्ट जिनका नाम मार्क वॉटनी है अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हम मार्स प्लैनेट को दोबारा देखते हैं जहाँ पर मार्क अभी भी ज़िंदा होता है। दोस्तों, जिस मलबे से वो टकराया था उसका एक टुकड़ा उसके सूट में घुस गया था, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बना रहा और इसी कारण उसकी जान बच पाई। वो वापस स्टेशन पर आता है और उस मलबे को बाहर निकालकर अपने ज़ख्म पर टाके लगाना चालू कर देता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सारी बातें बताना चालू कर देता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो दूसरे साइंटिस्ट को पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो सारे कैलकुलेशन करने पर बताता है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है नासा से कॉन्टैक्ट करने का और ये स्टेशन सिर्फ 31 दिन की ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है, इसके बाद वो मर जाएगा। यहाँ पर ना तो उसके लिए पर्याप्त खाना है और ना ही पानी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, वो है मार्स का अगला मिशन जो कि 4 साल बाद होने वाला है। मतलब उसको खुद को 4 साल तक ज़िंदा रखना होगा और वो सोचने लगता है कि वो अपने आप को 4 साल तक कैसे ज़िंदा रख सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मार्क भी हार मानने वाला नहीं था। वो एक बॉटनिस्ट होता है। बॉटनिस्ट उन्हें बोलते हैं जो कि पेड़ पौधों के साइंटिस्ट होते हैं। तो मार्क प्लान बनाता है कि वो मंगल ग्रह पर खेती करेगा, जिससे कि 4 साल तक वो ज़िंदा रह सके। अब 31 दिन बीत चुके हैं और वो खेती करना चालू कर देता है। मार्क अपनी ही वेस्ट मटेरियल की खाद बनाता है और आलू उगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता है। खेती करने के लिए उसे लगभग 40 लीटर पानी चाहिए और जिसके बाद मार्क इसका भी जुगाड़ निकाल लेता है। वो बताता है कि पहले हाइड्रोजन लो, उसमें ऑक्सीजन मिलाओ और उसे जला दो, और कुछ फॉर्मूले के साथ वो पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। और इसके बाद मार्क दोबारा ट्राई करता है और इस बार वो पानी बना लेता है। यहाँ हम पहली बार एक पौधे को उगते हुए देखते हैं, मतलब मार्स पर इस बंदे ने खेती कर ली, वाह। ये देखकर मार्क बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर धरती पर मार्क के बारे में किसी को पता नहीं होता है, इसलिए उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। इसके बाद मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर सैटेलाइट एक्सपर्ट मीडी को कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। इन फोटोज़ को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी ज़िंदा है, लेकिन अब परेशानी ये होती है कि ये लोग मीडिया और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि पहले इन्होंने बता दिया है कि मार्क की मौत हो चुकी है। डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके बारे में मार्क की टीम को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी 10 महीने बाकी हैं धरती पर आने के लिए और इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे स्पेस में, जिससे कि उनका मिशन में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। विंसेंट कपूर बोलते हैं कि मार्क हमसे 5 करोड़ मील दूर है, हमें उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी होगी। और जिसके बाद डायरेक्टर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क अभी भी ज़िंदा है। ये न्यूज़ पूरी आग की तरह फैल जाती है। और दूसरी साइड हम मार्क को देखते हैं, जिसको मंगल ग्रह पर अब 70 दिन बीत चुके हैं। वो मार्स के अगले मिशन एरिस 4 की लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो दिन में बैटरी को चार्ज करता है और रात में सफ़र करने की तैयारी करता है। इधर धरती पर सभी लोग उसे बचाने की प्लानिंग करने लगते हैं। हम दोबारा से मार्क को देखते हैं, जिसने फाइनली आलू उगा लिए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया। और इसके बाद उसे एक प्लान सूझता है और वो एक डिवाइस को ढूंढना चालू कर देता है। इस डिवाइस का नाम होता है पाथफाइंडर।
जिसके बाद वो डिवाइस उसे मिल जाता है और वो उसे ठीक भी कर लेता है। यहाँ पर मार्क की इमेज देखकर विंसेंट कपूर को पता चल जाता है कि मार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो फ्लाइट लेकर कैलिफोर्निया पहुँच जाते हैं और 1997 में उसी पाथफाइंडर वाली टीम से मिलते हैं ताकि वो मार्क से कॉन्टैक्ट कर सके, उससे बात कर सके। सो गाइज, यहाँ पर फाइनली ये लोग कैमरा को घुमाकर मार्क से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और इस मैसेज को पहुँचने में करीब 32 मिनट लगेंगे और इस तरह से इनको कई साल लग जाएंगे मार्क से बात करने में। इसका हल निकालने के लिए नासा वाले मार्क को एक सॉफ्टवेयर पैच भेजते हैं। इसके बाद मार्क उस सॉफ्टवेयर को रोवर के ज़रिए जोड़ देता है जिससे कि वो नासा से मैसेज के ज़रिए बात कर सके और ये देखने पर नासा के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मार्क को पता चलता है कि उसके बारे में उसकी टीम को कुछ नहीं पता तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इनको सही से सुनाता है। इसके बाद नासा वाले उसकी टीम को बता देते हैं कि मार्क अभी भी ज़िंदा है और ये जानने के बाद टीम के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कमांडर बोलती है कि ये मेरी गलती है, मैंने ही मार्क को वहाँ अकेला छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो अभी वहाँ पर है। इधर नासा की टीम एक स्पेसशिप बनाने की तैयारी करने लगती है जिससे कि वो मार्क को फूड की सप्लाई पहुंचा सके और जिससे वो 4 साल तक ज़िंदा रह सके। इसे बनाने में 6 महीने लगने वाले थे लेकिन डायरेक्टर के बोलने पर जल्दी जल्दी काम करने पर इसे सिर्फ 3 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाता है और आज इस स्पेसशिप का लॉन्च होता है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है, वो स्पेसशिप रास्ते में ही धमाके से उड़ जाता है और इनका मिशन फेल हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि मार्क के स्टेशन में लीकेज हो जाती है जिससे कि उसका स्टेशन भी उड़ जाता है। इससे उसके सारे आलू की फसल ख़राब हो जाती है, मतलब वो अब और आलू नहीं उगा सकता है। और जब मार्क को मिशन फेल के बारे में पता चलता है तो वो और ज़्यादा टूट जाता है। वो बोलता है कि मैंने हर परेशानी का हल निकालने की कोशिश करी लेकिन लगता है कि मैं धरती पर वापस नहीं जा पाऊँगा। वेल, इस सीन के बाद हम चाइना का स्पेस रिसर्च सेंटर देखते हैं जहाँ पर इन लोगों को मार्क के बारे में पता चलता है। वो उनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। दोस्तों, चाइना ने एक स्पेस बूस्टर बनाया था जो कि समय से पहले मार्क तक खाना पहुँचा सकता था और उसकी जान बचा सकते थे। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये लोग नासा को अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे और इसके बाद नासा का एक और साइंटिस्ट मार्क को बचाने का एक प्लान बनाता है जिसका नाम होता है रिच। वो बताता है कि मार्क का क्रू, जिसके शिप का नाम हनिस होता है, हम उसकी स्पीड बढ़ाकर वापस मार्स पर भेज देंगे और मार्स पर बिना लैंड किए हुए मार्क को बचा लेंगे। वेल गाइस, अगर ये लोग मंगल ग्रह पर लैंड नहीं करेंगे तो उसे बचाएंगे कैसे? यहाँ पर वेंसेंट बोलता है कि मंगल ग्रह पर एक और कैप्सूल है जिसकी मदद से मार्क मंगल ग्रह से निकल सकता है और उसकी ऑर्बिट में पहुँच सकता है। दोस्तों, ये प्लान काफ़ी अच्छा होता है लेकिन इसमें टीम के मिशन में 500 दिन और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद डायरेक्टर इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो मार्क की जान बचाने के लिए और बाकियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिच बोलता है कि ये फैसला हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि क्या वो उसकी जान बचाना चाहेंगे या नहीं। और इसके बाद रिच सीक्रेटली हनिस पर ये मैसेज भेज देता है कि वो मार्क को बचा सकते हैं। जब कमांडर को ये पता चलता है तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं मार्क को बचाने के लिए क्योंकि वो भी उनका ही साथी होता है। इसके बाद ये लोग सक्सेसफुली चाइना का स्पेस बूस्टर लॉन्च कर देते हैं जिससे कि मार्क और उसकी टीम को फूड सप्लाई मिल सके। और इधर हम मार्क को देखते हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर हो चुका है क्योंकि वो अब बहुत ही कम खाना खा रहा है ताकि वो लास्ट तक ज़िंदा रह सके। और अब वो एरिस 4 की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर उसे एक और शिप मिलने वाला था जिससे कि वो स्पेस में जा सके। वो दिन में अपनी बैटरी को चार्ज करता है और रात में आगे बढ़ता रहता है और इसी तरह से वो एरिस 4 तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है, मतलब समस्या नहीं, UPSC का एग्ज़ाम हो गया है, क्लियर ही नहीं होता है। वेल गाइज, यहाँ पर समस्या ये होती है कि जिस शिप से मार्क उड़ने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है जिसके कारण वो उसकी टीम तक नहीं पहुँच पाएगा और उसे हल्का बनाने के लिए उसमें सारी चीज़ें बाहर निकालनी होगी, यहाँ तक कि उसका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी जो चेयर है, सारा जो विंडो है, यहाँ तक कि दोस्तों ऊपर का पैनल भी मार्क को निकालना पड़ेगा जिसकी जगह पर उसे हैप कैनवस से कवर करना होगा जिससे कि ये शिप हल्का हो सके और मार्क आसानी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट से बाहर निकल सके। का पैनल हटाने से बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है तो मार्क को इनकी बात माननी पड़ती है। क्यों मिशन स्टार्ट हो जाता है और ये मिशन पूरा अमेरिका देख रहा होता है। सभी को उम्मीद होती है कि मार्क की जान बचा ली जाएगी।
जिसके बाद मार्क उस स्पेसशिप से उड़ान भरता है, लेकिन उसकी रफ्तार उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। और इधर उसकी टीम का जो शिप होता है उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसे देखकर कमांडर डिसाइड करते हैं कि वो शिप के पीछे के हिस्से को एक धमाके से उड़ा देंगे, जिससे कि हार्नेस की रफ्तार धीरे हो जाएगी और वो मार्क को बचा पाएंगे। ऐसे ही होता है दोस्तों, जैसे वो शिप को उड़ाते हैं उनकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाती है और यहाँ पर कमांडर खुद डिसाइड करती है कि वो शिप से बाहर जाएगी और मार्क को बचा कर लाएगी। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है और जिसके बाद मार्क अपने सूट में छेद कर देता है और प्रेशर के कारण वो आयरन मैन की तरह कमांडर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, लेकिन यहाँ भी उसका हाथ उनसे छूट जाता है। बट कमांडर रस्सी लपेट लेती है और उसकी जान बचा लेती है। और जब ये बात नासा और सभी लोगों को पता चलती है कि मार्क को बचा लिया गया है, वो सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं कि नासा ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। वेल गाइज, इसके बाद मार्क वापस शिप में आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसने 500 से ज़्यादा दिन मंगल ग्रह पर बिता दिया, अकेले बिता दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। वेल, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा परेशानियों से लड़ता रहा, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क धरती पर आ चुका है और उसे सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है। वो सभी लोगों को गाइड करता है कि अगर कोई मार्स पर फंस जाए तो वो ज़िंदा कैसे रह सके। 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर उसके सभी टीम मेंबर अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं और टीवी पर एरिस 5 के मिशन को देखते हैं, जो कि सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल गाइज, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।